सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेट, वीडियो पुराना हो गया, दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है? वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ अभी. सो व्हाट इज अप वांटेड आर्मी, वेलकम बैक टू अनदर पबजी मोबाइल वीडियो. सो आज के इस वीडियो में हम खेल रहे हैं आर्केड मोड, जिसमें क्विक मैच स्टार्ट करते ही हमें मिला है शॉटगन का. तो शॉटगन्स के साथ मैं और मेरी टीम खेलने वाली है, या फिर हम कह सकते हैं दूसरों के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं हम लोग. और यहाँ पर एक कंपाउंड में उतर रहे थे कि एक नमूना पता नहीं कहाँ से टीम से बिछड़ गया, फिर अकेला यहाँ पर आके टपक पड़ा. और मेरे टीममेट्स बड़ी ही जल्दी जल्दी पीछे भागे, भाई थ्री स्टोरी में घुस के शॉटगन लेके मारेंगे. और जितनी तेजी से अंदर गए हैं ना, इससे भी ज़्यादा तेजी से नोक होने वाले हैं. और इनको दो थप्पड़ पड़ने वाले हैं अभी S1897 के, असली के नहीं, थप्पड़ पड़ेंगे शॉटगन के, असली के कोई नहीं मार सकता, ठीक है? तो इसके बाद अब S1897 का एक थप्पड़ पड़ा एक को, और दूसरे को पड़ गया. सो यहाँ पर मैं ऊपर आया और इसको दो शॉट, जिसमें से एक इसको लग गया. और S686 ही तो जल्दी लोड हुई, और मैंने साथ साथ एक और शॉट दिया और एक खत्म. तो यहाँ पर हम रिवाइव करेंगे, हमारे टीममेट्स हमें रिवाइव करने हैं. तो एक्चुअली यहाँ पर मैंने देखा कि चलो क्रेट पड़ी है, शॉटगन उठा के नीचे ले जाते हैं. नंबर वन के पास कोई गन थी नहीं उस टाइम पर, तो ये गेट डाउन कर रहा है, मुझे पता है भाई आ गया मेरी से. तो यहाँ पर अब हम एक्चुअली चिराग यानी कि मैं, आनंद था और जॉन चिंटू, हम तीनों तो एक ही स्क्वाड के हैं. लेकिन नंबर वन जो है रैंडम प्लेयर है, लेकिन इसमें वो खासियत नहीं है, वो रैंडम प्लेयर वाली बात नहीं है. आप सबको पता होगा रैंडम प्लेयर की खासियत होती है, अगर एक बंदा उतरा स्टैलवर में तो वाला उतरेगा प्रीमॉस्क में, अगर वो उतरा सवर्नी में तो दूसरा उतरेगा मिलिट्री बेस में. लेकिन ये इसकी क्वालिटी नहीं है, अच्छी बात है. इतने में पीछे से हमारे ऊपर हो चुका है पुश, और जॉन चिट्टो हमारा नॉक हो गया, जिसको कवर फायर देने के लिए मैंने दूसरे बंदे को नॉक कर दिया. सो मुझे लगा स्क्वाड वैसे स्क्वाड होगा, लेकिन एक्चुअली टुकड़ों में आए थे, दो दो के पेयर में उतरे थे ये लोग, जिसकी वजह से दो दो के पेयर में ये क्रेट बन के शायद ऊपर चले जाएंगे अभी. तो यहाँ पर हो चुका है मेरे साथ खेल, मैंने कहा चलो फ्लिक करके मारेंगे, और लग गया तो खेल वापस कैंसिल हो गया हमारा. मतलब मैं नोक होने वाला था, रिंगा रोजेस करने वाला था, जो नहीं किया. मैंने वेट किया चलो कोई आएगा, लेकिन ये बेचारे पेट पर हाथ रख के अपनी जान को तरस रहे थे. मैंने कहा यार क्यों तरसाना, मेरे टीम मेट हमसे उतरे, इनको मार देंगे, मैं खुद ही मार देता हूँ अपने हाथों से. तो यहाँ मार दिया है और इनकी लूट ले ली है टीम मेट्स ने, अच्छे से लूट कर लिया है यहाँ पर. एंड ये पूरी सेटिस्फेक्शन हमें यहाँ से लूट भी मिल चुकी है, बस इन लोग को हेल्थ अभी रिकवर करनी है. और बड़े ही प्यार से शॉटगन लोड करके मैं जा रहा था, लेकिन हमारे घर के अंदर एक बंदा घुस गया, और ये बंदा पता नहीं कहाँ से आया, और ये क्या कर रहा था अभी देखना आप. तो क्या था ये, था क्या ये भाई? TPP का मैच है, FPP नहीं है, जो किसी को तू एकदम घुसते ही डरा देगा. TPP है, स्टूडियो पे आराम से बैठ, देख बंदा कब आ रहा है तो देख के मार. ये क्या बदतमीजी थी गाइस, ये गलती कभी ना करना. लोग सोचते हैं कि हम बैठ जाएंगे आराम से जाके सीढ़ियों पर, और किसी को पता क्या चलेगा, जो आएगा हम मार देंगे. भाई वो बंदा TPP लेके आ सकता है, मैं तो चल डायरेक्ट घुस गया क्योंकि मेरे पास अच्छा बैकअप था, पीछे तीन बंदे और आ रहे थे साथ साथ ही. लेकिन ये बेचारा, मतलब अब क्या कह सकते हैं, अब स्क्वाड का तो है नहीं जो उसको समझाते रहेंगे. तो इसको हम मार चुके हैं और सेटिस्फेक्शन ले चुके हैं यहाँ पर, बड़े ही मज़े में इसको मार दिया. और हम आ चुके हैं यहाँ पर एक और बंदे के पास. एक्चुअली हम बंदे किस्तों में आए थे, और किस्तों में ही क्रेट बन के ऊपर चले गए थे, क्योंकि पता नहीं क्यों अब क्या कहते हैं. तो मैंने मार्क किया, मुझे पता है 686 के दो शॉट देने का फ़ायदा नहीं अभी, तो आराम से मैं अंदर घुस गया. मैं कहा चलो देखते हैं थोड़ा कुछ लूट मिल जाए हल्की सी. फिर डिसाइड किया कि चलो दो शॉट लेते हैं, अब घुस के मारेंगे, क्योंकि बैकअप तो अपना तगड़ा है ही, और मैंने बेचारा अपनी स्क्वाड से निकला हुआ अकेला ही मेम्बर है. तो यहाँ पर बैकअप लेते हुए मैं बड़े ही प्यार से जा रहा हूँ, जंप जंप करके यहाँ से भाग लिया है, और ये ठप देके पड़ा, और जय माता दी. तो कहा था मैंने अकेला आया, अकेला ही क्रिएट बन के जाएगा, अपने बंदे के साथ होता हूँ शायद बच भी जाता. तो अब जैसे हबशू की तरह हम लूट रहे हैं ना, कोई सच में एक स्क्वाड में घेर लेती तो यहीं सब खत्म थे. तो यहाँ पर अच्छा सा कवर लेके मैंने, अब मैं यहाँ पर ओपन में ड्रिंक मारूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आसपास कोई नहीं है, और अगर कोई दूर है तो शॉटगन का आपको पता ही है दूर नहीं मार सकती, वो क्लोज रेंज ओपी, और फार रेंज तो मतलब क्या कहना, सब समझ सकते हैं, इतने कोई नहीं हो सकता ना, बड़ा सबको पता ही होता है शॉटगन क्लोज रेंज के लिए. तो यहाँ पर मैं एक्चुअली, गर्मियाँ चल रही हैं, लोग बाहर लस्सियों के स्टॉल लगाते हैं ना, तो मैं यहाँ पर ड्रिंक मार रहा था अपने पूरी टीम को. एक बंदे को ड्रिंक दिया यहाँ पर अपने चिंटू को यहाँ पर दे दिया है ड्रिंक. एक आनंदा के पास जाहिर था कि पीछे से साउंड आया कि पीछे बंदा है, और जैसे मैं गया ना, मतलब स्टाइल में कि मारूंगा इसको, मैं इसको एक शॉट दिया भी था मैंने शायद, हाँ ये देखो एक शॉट दिया, लेकिन शायद लगा नहीं उसको, पता नहीं क्या हुआ. लेकिन दूसरी गन जबकि S686 ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, पता नहीं क्यों, इसकी डैमेज सच में बहुत ज़्यादा है. और यहाँ पर हमें S12 के मिल गई है, अब अपने चिंटू को यहाँ पर हमें करना ही पड़ेगा रिवाइव, ये पेट पे हाथ रख के.
प्यारी प्यारी शॉर्ट गन्स लेके फिर रहा है, रेंगा रेंगा रोजेस कर रहा है कि बचाओ। और ये पता नहीं ये लोग क्या कर रहे थे, मैंने कहा कवर करो, ये कवर थोड़ा समझ नहीं आया कि ये कैसा कवर था। तो बाद में जब मैंने देखा कि S6 8 6 के थप्पड़ पड़ रहे हैं वहाँ दूर से और उसका डैमेज काफी कम आ रहा है, तो ये लोग आगे खड़े थे डैमेज लेने के लिए ताकि मैं रिवाइव करूँ, मुझे ना लगे या फिर इस चिड्डू को ना लगे। एनीवेज इन लोगों ने डैमेज लिया हल्का हल्का और बारी बारी जगह चेंज करके काफी अच्छे से कवर किया, हमें कवर किया है, ऐसी क्या बात है। तो यहाँ पर बड़े ही प्यार से मैं बैंडेज लगा रहा हूँ, पट्टियाँ बांध रहा हूँ, क्योंकि अब ये होने वाला है 4 vs 3, और 4 vs 3 कोई नॉट अ बिग डील। बड़े ही प्यार से हमने इनको मार दिया था यहाँ पर। कमेंट्री करते करते गला भी खराब हो गया मेरा। यहाँ पर 4 vs 3 होने वाला है। अब एक्चुअली वो तीनों भी हैं और हम चार हैं यहाँ पर, जिसमें से हमारे पास रैंडम प्लेयर है जो जिसने लगभग ना के बराबर काम किया, यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया वो खास, बाकी टीम का अच्छा बैकअप था। तो यहाँ पर एक बंदा मैं देख चुका हूँ कि वो ऊपर जा रहा है, अब मैं पास में इधर ना ऊपर में भाग सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने S1 2K के या फिर किसी भी शॉटगन के थप्पड़ मारा तो मुझे लगने का नहीं, हेल्थ मेरी अच्छी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से बैठ के वहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, और इतने ओपनली मैं नेट छोड़ रहा हूँ ना, जैसे मतलब कभी राइफल होती ना मैं यहाँ पर ख़त्म था। तो एक्चुअली था है ये हैजार्ड जैकेट मॉर्टल भैया की, या मॉर्टल भाई साहब की कह सकते हैं, यहाँ पे जैकेट चोरी करके ले आया ये और पहन चुका है। यहाँ पर हमारे रैंडम प्लेयर नॉक हो चुके हैं, तो थोड़ा इनको रिवाइव दिया जाए। ये ऊपर बंदा आ रहा था और मुझे अच्छा बैकअप मिला कि वो मारा गया, नहीं तो यहाँ पर मैं एक मिनट के लिए बिल्कुल टेंस हो गया था कि क्या हो रहा है भाई, ये कहाँ से आ गया। तो यहाँ पर अब दो बंदे उधर रह गए हैं और एक ऊपर का नॉक है, तो अभी भी 7 ही बंदे लेफ्ट हैं। तो यहाँ पर हमारे रैंडम प्लेयर हो चुके हैं। यहाँ पर मॉर्टल की जैकेट का चोर लगभग लगभग मारा गया है, और हमारे यहाँ पे नंबर 1 वाले भाई साहब फिर से नॉक हो चुके हैं। और ये इनकी गलती ये थी कि तीनों अलग हो गए, तुम तीन हमें हरा सकते थे, लेकिन अलग अलग हो जाओगे तो कैसे यार, ये तो मुश्किल हो जाता है ना किसी बंदे के लिए, 4 शॉटगन वालों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर उसके खुद के पास भी शॉटगन ही है। तो यहाँ पर एक्चुअली एक ही बंदा रह गया और हम ये मैच जीतने वाले हैं, तभी मैंने वीडियो अपलोड करी है, क्योंकि यहाँ मर जाता तो कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे आते मेरे को शायद। तो यहाँ पर अब आराम से हम चिकन डिनर होने वाला है। तो ये लास्ट किल में थोड़ा वैसा सीन हुआ जैसा वॉर मोड के राइफल स्नाइपर राइफल वाले में होता है, बोल्ट एक्शन वाले में, जिसमें कार 98 से हम खेलते हैं। अभी वही हो रहा था क्योंकि वो भी नूब और मैं भी नूब कहते हैं यहाँ पर। तो जब कर करके बस किसी तरीके बचे, हमारा चिंटू यहाँ पर ऊपर गया और थप्पड़ तो लास्ट में मैंने ही मारा और ये 8वां किल मुझे मिला यहाँ पर, शॉर्ट गन लर्ट। अब क्या चाहिए गाइस, मस्ती और क्या, अपना हो गया मैच। यहाँ पर अनंथा ब्रो भी अभी पेट पे हाथ रख के चल रहा है, रिंगा रिंगा रोजेस कर रहा है। एनीवेज मैच इज ओवर, 8 + 1 9 kills। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।